मैंने दूर से ही देख लिया था कि सरपंच का लौंडा है, मैं भी खड़ा रहा। तू और तेरी चील की नजर। अरे चील नहीं काका, मुर्गा बना दिया 2 घंटे खेत पे। अच्छा गांव के समय क्या मौत चल रही है सब देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं साहब, टिप टॉप सफाई की है सब जगह। ऐसा है लबर लबर आपस में तो करना, हमसे मत करना, समझो? पैसा है, खैरात नहीं, कायदा काम करें, कन्ने टाइट कर दिए। भाई चलता है क्या अड्डे पे? अरे अब तो तू बड़ा हो गया है, थोड़ी बहुत मस्ती कर लिया कर। काका आप अपनी मस्ती करिए, मैं अपनी करूंगा। तू तो दिन भर करता क्या रहता है? अरे रुक रुक जा, रुक रुकना। किधर? क्या नाम है तेरा? टिंकू। देखा कहाँ से मिली? डर मत, कहाँ से मिली? कचरे में। लगा एक निशान, लगा। उम्र क्या है? 17। स्कूल जाता है? खत्म। अभी क्या करता है? सफाई। स्कूल में नाम क्या लिखा है? अमर। अमर, जब इतना अच्छा नाम है तो टिंकू क्यों बताता है? यहां सब उसी नाम से पहचानते हैं। पहचान तो खुद बनानी पड़ती है अमर,
अरे तुम लोग क्यों रुक गए? खेलो खेलो। वो जैसे ही उतरे पपलू और विक्की तो ऐसे भागे जैसे किसी ने उनकी पूंछ में आग लगा दी हो। फिर क्या, मुझे लगा मैं फिर से फंस गया इस बार और फिर से मुर्गा बनना पड़ेगा। बैठ पीछे। काहे? निशानेबाजी करेगा शूटिंग एकेडमी में। कंपटीशन में हिस्सा लेगा? अरे अपने दोस्तों के बीच में तो चैंपियन है तू, सोच क्या रहा है? अपनी पहचान बनानी है ना। काका आप देखना मैं आता हूं। गन अप, गन डाउन, 90 डिग्री फायर करेंगे एंड शूट। गन डाउन। आपका बेटा मेडल लेके आएगा इस बार, लिख के दू बोलो तो। पिछले 3 साल से वही घुट्टी पिला रहे हो महेंद्र। और लिख के तो पिछली बार भी दिया था, कहो तो मैं दिखा दू। फायर करेंगे शूट। अरे त्रिभुवन जी नमस्ते, आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, बरसों बाद दर्शन दिए प्रभु। कैसे हैं? वाह क्या बात है, उम्र के साथ साथ चेहरे की चमक भी बढ़ रही है। लगता है ये वादियों में पोस्टिंग का असर है। लीजिए सर समोसा। नहीं बस, आजा बेटा, आजा आजा। इस लड़के की निशानेबाजी में कुछ बात है, ट्राई करो इसे। इधर आ। पिछले हफ्ते सरपंच जी के खेत में तू ही मुर्गा बना बैठा था ना, ये गन चला पाएगा? दिखा। लीवर। गन भारी है, बस्ती वालों के लिए अकेडमी खोली है क्या? चल आजा। अरे क्या कहते हैं भैया? बस्ती के लौंडे हमारी इज्जत बढ़ाएंगे क्या? इन्हें होगा समाज सेवा का शौक, मुझे नहीं है। अरे भैया समाज सेवा की बात नहीं है, प्रतिभा है। दिमाग ठीक है तेरा? अरे भैया एक मौका देने में क्या जाता है, एक ही तो मौके की बात है। तो फिर कर ले तेरे मन की, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो ठीक है, करते हैं तेरी ट्रेनिंग शुरू। फीस दे पाएगा?
बस अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर। फीस का मैं देख लूंगा। अरे नहीं वो। अच्छा सरपंच जी आ जा बेटा, टाइम से आ जाना कल। ये जो दो वक्त की रोटी मिल रही है ना, कभी बंद हो जाएगी। ऐसी कौन सी कमाई कर रहा हूँ बाबा, सारी जिंदगी कचरा ही उठाऊंगा क्या? अरे तो कोई नौकरी ढूंढो, ये निशानेबाजी से कुछ मिलेगा? मिलेगा बाबा, एक फौजी साहब खुद आके मौका दिए हैं, गाँव में बहुत इज्जत है उनकी, भी हमारी भी इतनी इज्जत हो जाए तो मजा आ जाए। ये बावला हो गया है, इसे तुम ही समझा लो। इतनी मुश्किल से मौका मिला है कुछ अलग करने का, तो कचरे में फेंक दूं? नहीं बेटा, तुम एक काम करो, अपने माँ बाप को उठाओ और ले जाके कहीं कचरे में फेंक दो। बाबा अप डाउन 90 डिग्री एंड शूट वन मोर टाइम। अकेडमी मैं चलाऊं, 3 साल से मुझे गोली दे रहा है और तू मेरे लड़के को छोड़ के इस लड़के को लगाएगा? हाँ मुझे क्या लगता है, तेरी अकेडमी मेरे बिना चलेगी? मेरे को मेरा लड़का चाहिए कंपटीशन में। अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है तू, मगर इस बार ना तेरा टाइम से नाम नहीं जा पाया कंपटीशन के लिए, लेकिन अगली बार पूरी कोशिश करेंगे। बढ़िया सीख रहा है, अगले साल भेजेंगे तुझे, समझा? वरना उसके अगले साल भेज देंगे। से उदासी रूठा हूं कहो मुझे, कैसे तकदीरों को मैं सुलझाऊं कहो मुझे, था ना वह सही था। फालतू का अपना दिमाग ना लगाओ, उठो काम पे जाओ। राम राम साहब। अरे बताना साहब को क्या हुआ? रहने दीजिए, मुझे पता है, इसकी फौज में भर्ती करवा दें। फौज में? हाँ क्यों नहीं, देश को ऐसे शूटर्स की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं साहब, हम छोटे लोग हैं, हम इज्जत से कमा के दो रोटी खा ले वही काफी है। अच्छी तनख्वाह मिलेगी,
आर्मी शूटिंग कंपटीशन में भी भेजेगी। अपने देश का और गांव का दोनों का नाम रोशन करेगा ये। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए। पहचान बनाने के लिए लड़ना पड़ता है अमर। सर, मुझे बनना है फौजी, देश के लिए मेडल जीतना है। क्या कह दे किताबों से तू, सवाल पूछ ले जवाबों से तू, बस जोर खटकते डर की आंखों में, फूल झटकते ख्वाबों से तू, फूल झटकते ख्वाबों। फौज में जो है ना, सिर्फ ये फिजिकल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि हट्टे कट्टे लगना, इसलिए दी जाती है कि आपका दिमाग जो है ना वो सटीक रहे, दिमाग बैलेंस रहे। फौज की ट्रेनिंग में टिकना आसान काम नहीं, लेकिन अगर ठान लो ना एक बार मन में, तो सब हो जाता है। करूंगा सर। मुश्किल हो एक या पिछहत्तर, लहरें भी बहकर तोड़ दे पत्थर, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। अब तू तूफान बन जा या फिर चट्टान बन जा, जो ना टूटे ना बिखरे, बस बंद कर दे। नहीं जाना फौज में? जाना है कि नहीं जाना है? जाना है सर। जाना है ना, तो ये रोज करना पड़ेगा। फिर धूल झटक दे ख्वाबों से तू, फिर धूल झटक दे ख्वाबों से तू। आइए त्रिभुवन जी, आइए, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। आज पोस्टिंग पर निकल रहा हूं तो सोचा आपसे मिलता चलूं। त्रिभुवन जी जब छोटे थे मेरे ताऊ के बाग से आम तोड़कर भागते थे। ताऊ बोला, आम चुरा के भागते हो, बड़ा होकर चोर बनोगे क्या? ताऊ, चोर नहीं, फौजी बनूंगा, फौजी। अनजाने में ही सही, देश के काम तो हम भी आए, आप जैसा फौजी जो दे दिया हमने। सरपंच जी, देश को एक और फौजी देने का मौका मैं आज आपके पास लेकर आया। जम के मेहनत कर, जी जान लगा कर, फौजी बन, फौजी देश के काम आ, और आज से तेरा दूध और अंडे का जिम्मा हमारा। It was big village, many cows, goats, farmers do farming in fields, and in one field I do shooting, bottles,
हैंगिंग आई शूटिंग एंड दे कैच मी एंड मेड मी हैंग एंड व्हाट कुछ नहीं दे गेव यू पनिशमेंट यस मतलब आई मीन आई वॉज garbage collector dekh yaar amar that was your past now you are going to be a soldier aur ye indian army hai yaar yahan sab barabar hai yahan na murga sirf dushman ko bana jata जय हिंद सर जय हिंद आप तो कल आने वाले थे सर नेशनल्स में तुम्हारे सिलेक्शन की खबर मिली तो जल्दी आ गया थैंक यू सर एसयू का इंटरव्यू तो क्लियर हो गया एसएसबी की तैयारी कैसी चल रही है अच्छी चल रही है सर देखो जमकर मेहनत करनी पड़ेगी अंग्रेजी पर खास ध्यान दो हाथ थोड़ा कमजोर है उसमें तुम्हारा I'm working hard on my English, sir. An academy में टॉप के एजुकेटर्स हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाते हैं सर प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिल रही है गुड टू सी यू ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली अपनी पहचान बनानी है सर चाय पिए ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग पहाड़ों में हुई 16,000 फीट से जब नीचे देखता था तो हमारे जैसे कई गांव दिखते थे कुछ छोटे कुछ बड़े और उन गांवों में अनगिनत लोग सब एक जैसे कोई फर्क नहीं ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना ऊंचा ना नीचा ना अमीर ना गरीब उस ऊंचाई में खड़े होकर मुझे समझ आया कि त्रिभुवन जी ने मुझ में क्या देखा होगा उस टिंकू में जो अपने गांव के करीब एक छोटे से पहाड़ से भी अपने आप को वहीं देख पाता था कचरे के डिब्बे के पास कचरा बीनता हुआ अरे हिंदुस्तान की शान है टिंकू सुंदर जवान है त्रिभुवन जी महान है टिंकू सुंदर जवान है नाचो उसी टिंकू को त्रिभुवन जी ने बराबर की नजरों से देखा टिंकू के अंदर के अमर को देखा जात पात से परे उसके अंदर छिपे सपनों को भापा उसकी काबिलियत को पहचाना जिस मिट्टी से मैं कचरा बीना करता था उसी मिट्टी से मुझे और मेरे सपनों को बीन कर इस वर्दी के लायक बनाया आई एम ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी मैं देश का सिपाही हूं ये बोल पाऊंगा किसी ने तो क्या मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा जंग सरहद पे होया हो अपने आप से या फिर
सालों से संजो कर रखे ख्वाब से पथरीले रास्ते हो या मुश्किल हालात हो ना हौसला रहे ना अपने साथ हो। आज ये टिंकू आप सबके लिए अमर है, ये इस वर्दी का ही एहसान है। हम सब भारतीय हैं, ये हम सबकी असली पहचान। अक्सर सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें हासिल करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। ऐसे वक्त में अनअकैडमी मेरे लिए वो जरिया बना जिससे मुझे टॉप एजुकेटर्स से गाइडेंस मिली टू क्रैक माय एसएसबी एग्जाम्स। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें।